कल हनीफा बासी ने तकरीर की और उसने कहा कि बांग्लादेश जो है वो एक कौम है, पाकिस्तानी जो है ये कौम नहीं है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि 8 फरवरी को पाकिस्तान ने कौम की हैसियत से एक लीडर इमरान खान साहब को वोट दिया, उनको मुंतखब किया, लेकिन फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। और दूसरी बात कि उन्होंने अजमजाकन कहा, एक स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया कि जी ये बंगाल के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ हनीफा बासी, डरो उस वक्त से जब तलबा लाखों की तादाद में इधर डी चौक में आएंगे और आपको इन इक्तदार की ईवानों से बाहर फेंकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आपके खौफ का आलम यह है कि हमारा जलसा था इस्लामाबाद में, इमरान खान के पांव पकड़े गए कि अल्लाह का वास्ता है जलसा कैंसिल कर दे। लेकिन मैडम चेयरपर्सन, 8 तारीख को, 8 सितंबर को हमारा जलसा है, तो मैं दावत देता हूं आप सबको कि आप आए उधर, इंशाल्लाह लाखों की तादाद में पाकिस्तानी आएंगे उस जलसे में और अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब का साथ देंगे और पैगाम देंगे आपको, इस हुकूमत को, कि आप हम 47 के कायम शुदा हुकूमत है, आपके पास ना अवाम का वोट है ना आपके साथ मैंडेट है, आप वोट चोर है, आपने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला और डरे उस दिन से कि पाकिस्तानी कौम आए, इनकलाब आए और आपको इस इक्तदार की ईवानों से हम बाहर फेंक दे और आपको इंशाल्लाह जरूर बाहर करेंगे इक्तदार की इन ईवानों से, क्योंकि आप ये हुकूमत बैसाखियों की हुकूमत है, इधर जो बैठे हैं ये स्ट्रेंजर हाउस है। कौन सा माइक का आप लोग क्या है सिस्टम यहाँ पे? जी जनाब अब्दुल लतीफ साहब, आप ये स्पीच को पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मैडम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तकरीबन 2 अजला पर मुश्तमिल है, लेकिन वहाँ पर 75% जो लोग हैं वो ग्रिड से बाहर अपने MHPs के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस करके बिजली का मसला हल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 25% एरिया को नेशनल ग्रिड जो है वो बिजली नहीं दे पा रही और 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि वहाँ पे 108 मेगावाट का जो गोलेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ से उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 108 मेगावाट है। लेकिन पूछे कौन, पूछे इसलिए नहीं, ये हुकूमत इन मसाइल को पूछती इसलिए नहीं है कि इनके तरजीहात कुछ और हैं। इनकी तरजीह ये है कि इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ना बने। तो मैं इनसे गुजारिश ये करता हूँ कि भाई आप ये तो रोक नहीं सकते, क्यों कि ये पहली मर्तबा नहीं है, वो 10 साल बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान की किस्मत है, लेकिन एक एक मिनट, आप लोगों की किस्मत यह है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जॉब आपको। शुक्रिया जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब। थैंक यू चेयरपर्सन। मैं ये परसों टॉपिक आया था 4.8 मिलियन हेक्टर ज़मीन कारपेट फार्मिंग के लिए, अपने हलके के मसाइल पेश करते हैं, तो आया हम यहाँ पे सिर्फ तकरीर करने के मुकाबले के लिए आए हैं कि नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे स्पीचेस करनी है कि अपने इलाके के मसाइल भी यहाँ से हल करवाने हैं, एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, हनीफा बासी साहब ने कल बात की थी पाकिस्तान के और बांग्लादेश के तलबा के बारे में, तो उनकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि 2013 में यही पाकिस्तान के तालिबे इल्म थे कि जिससे मुराद सईद जैसा नौजवान आया, फिर 2018 में ये वही पाकिस्तान के तालिबे इल्म थे जिससे शायद खटक जैसे नौजवान इस ऐवान में पहुँचे, और 2023 के इलेक्शन में वही पाकिस्तान की तलबा थे जिससे शाहद सोहेल अफरीदी और मीना खान जैसे नौजवान इस ऐवान में पहुँचे। अगर ये थोड़ा इंतज़ार और कर ले तो इंशाल्लाह अनकरीब पाकिस्तान के तलबा आने वाले हैं और जितने भी ये फॉर्म 47 के यहाँ पे MNAs बैठे हुए हैं और उन्होंने एक जिनों से बनाई हुई हुकूमत यहाँ पे कायम की हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हीं जवानों से घसीटते हुए इनको यहाँ से निकालेंगे और अपने जनाब।